तो गाइस पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि शैडो वेजिटा ने धमाल मचा के रखा है और उसको हराने वाला हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। बट गाइस हम लोग इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाले थे, क्योंकि यार शैडो वेजिटा को अगर हम लोग नहीं हराते हैं तो इविल टीम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। प्लस भैया अगर हम लोगों को शैडो वेजिटा को हराना है तो हम लोगों को फिर से गोकू को ड्रॉ करना पड़ेगा। और हाँ प्लस भाई, गोकू ही एकमात्र ऐसा है जो शैडो वेजिटा को हरा सकता है। और फ्रेंकली भाई आपको तो पता ही है कि गोकू हमेशा वेजिटा को हराता है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी शायद गोकू हरा दे वेजिटा को। हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गोकू शायद वेजिटा को हरा सकता है। गाइस तुम लोग क्या लगता है, हम लोग किसे ड्रॉ करना चाहिए? फिलहाल तो गाइस हमारा प्लान है कि फिर से यार गोकू को ड्रॉ करें, बट गोकू के कौन से फॉर्म को ड्रॉ करें, क्योंकि शैडो वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर है, इन्फिनिटी पावर है उसके अंदर, और हम लोगों ने इन्फिनिटी गोकू को पहले ड्रॉ कर लिया तो फिलहाल उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यार मुझे ना गोकू के एक और खतरनाक पावर को ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिलोसफी भाई मैं तो बोलता हूँ गोकू के ड्रिप गोकू वाले फॉर्म को ड्रॉ करते हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। हाँ दद्दू हल की ये तो आपने काफी बढ़िया बात कर दी है। गाइस हम लोग आज ड्रिप गोकू को ड्रॉ करेंगे, तो पहले ये बताओ कि तुम लोगों में सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए कौन जाने वाला है? फिलोसफी भाई काफी दिनों से यार मैं हार ही रहा हूँ, तो इस बार ड्रॉ करने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ। अरे नहीं फिलोसफी भैया, टोनी अंकल को एकदम ड्रॉइंग नहीं आती है, इनके फाइटर हमेशा हार जाते हैं। अरे नहीं यार सिंचन, आज तो मैंने ड्रॉइंग करके आई है, अभी तुम लोगों को पता नहीं है पर मैं ड्रॉइंग की या ट्यूशन भी ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो अगर अपना टोनी स्टार्क बोल रहा है तो जरूर ये कुछ अच्छा ही करेगा। चलो गाइस देखते हैं आखिर टोनी स्टार्क कैसा ड्रिप गोकू ड्रॉ करता है और क्या वो ड्रिप गोकू हमारा शैडो वेजिटा को हरा पाता है कि नहीं। अरे बाप रे, ये वाला ड्रिप गोकू के गर्दन तो कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही है। अरे नहीं, इसने तो जैकेट पहना है। हाँ तो चुप, ड्रिप गोकू हमेशा जैकेट में ही आता है, सुप्रीम की जैकेट में, और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पर ये वाला ड्रिप गोकू मेरे को कुछ नॉर्मल लग रहा है यार, ये जीत भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम लोगों को तब पता है शैडो वेजिटा इन्फिनिटी पावर के साथ में। और टेंशन लेने की बात नहीं यार, ड्रिप गोकू काफी ज्यादा पावरफुल है, ये देखो अपने टोनी स्टार्क इसकी पैंट भी बना रहा है। हाँ तो दद्दू हल्का आप क्या चाहते हो, ड्रिप गोकू की पैंट ना हो, बिना पैंट की फाइट करिए। अरे तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी ड्राइंग कितनी ज्यादा मस्त है, ये देखो मैंने इसकी आंखें बना दी, ये बना दी मेरे नाक, और ये बना दी इसके आईब्रो, कान भी बना दिया, अभी मैं इसके फटाफट से बाल बनाता हूँ जिसके बाद ये और भी ज्यादा ओपी लगेगा, ये बना दी मैंने इसके बाल जो कि और भी ज्यादा तगड़े हैं। हाँ यार अब तो ये ड्रिप गोकू भी लगने लगा है, पिछली बार गाइस हमारा ड्रिप गोकू जीत गया था, अभी हम लोग नहीं बता सकते कि ये इन्फिनिटी वेजिटा के सामने कितनी देर टिक पाएगा, बट गाइस अभी भी हमारे पास चांसेस है, तो आज तो चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल पे हम लोगों को यार इन्फिनिटी वेजिटा को हराना है। और ये देखो भाई साहब शैडो वेजिटा के लिए तैयारी चालू हो चुकी है। चलिए टोनी स्टार्क फटाफट से इसकी ड्रॉइंग कंप्लीट कर दे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, पर आप यार जल्दी से सब्सक्राइबर लोग को बोल दे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, और कमेंट बॉक्स में ड्रिप गोकू ओपी लिख दे। हाँ गाइस चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को शैडो वेजिटा को हराना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ और ड्रिप गोकू ओपी लिख दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोगों को इस वीडियो को खत्म होते होते 1000 लाइक का टारगेट पूरा करना है। प्लस भैया टेंशन ना लो, ये भी हो जाएगा, ये देखो हमारे टोनी स्टार्क ने तो यार इसकी सेटिंग वगैरह भी अच्छी खासी कर दी है। चलो यार टोनी अंकल इसको फटाफट से कंप्लीट करो, इसके अंदर यार सारे वर्ड्स तो लिख दो, तभी जाकर के ये पूरी तरह से सुप्रीम बनेगा। अरे हाँ सिंचन, ये देखो यार मैंने इसका लिखना चालू भी कर दिया है, अभी देखते जाओ ये कितना ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो गाइस मुझे लगता है हमारा ड्रिप गोको अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, अभी गाइस मजा आएगा, देखना पड़ेगा इसकी फाइट में आखिर जीतता कौन है, अपना ड्रिप गोकू या गाइस शैडो वेजिटा, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो गाइस फाइट को शुरू करते हैं। ये देखो फिलोसफी भैया आ गया हमारे गोकू, और अब तो वो ड्रिप गोकू भी बन चुका है। अरे बाप रे इसकी स्पीड तो यार ठीक इसकी तरह है। अरे नहीं आज तो लगता है शैडो वेजिटा की हालत खराब करने वाला है अपना ड्रिप गोकू। हाँ यार आते साथ देखो शैडो वेजिटा पर ड्रिप गोकू ने किस तरह हमला किया, बट गाइस मुझे नहीं लगता कि भाई शैडो वेजिटा छुप भी रहने वाला। ओह गाइस ड्रिप गोकू तो सही में कमाल कर रहा है, लगता है गाइस कि आज हम लोगों को फाइनली अपना फुल पावर गोकू देखने मिलने वाला है। बट ये क्या गाइस, नहीं 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 गड़बड़ हो रही है, शैडो वेजिटा अटैक पर अटैक कर रहा। ओ भाई साहब मात्र 30 सेकंड में हमारे ड्रिप गोकू को हरा दिया भाई शैडो वेजिटा ने। अरे फ्लैश भाई टेंशन ना लो, वो तो गलती छाड़ गया, इस बार पक्का हमारा ड्रिप गोकू जीतेगा। चलो ड्रिप गोकू यार इज्जत रख लो यार, क्या कर रहे हो, ये हुई ना बात, चलो मार डालो यार इसको। अरे यार ड्रिप गोकू को तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, ये शैडो वेजिटा भले कितना भी ज्यादा ताकतवर हो बट हमारे ड्रिप गोकू के सामने ये नहीं टिक पाएगा, ये देख रहे हो कितने खतरनाक मुक्के मार रहा है ड्रिप गोकू। हां मुक्के तो मार रहा है, बट यार शैडो वेजिटा का एक मुक्का अगर लग गया हमारे ड्रिप गोकू को ना, तो मुझे
मुझे लगता है गाइस यहाँ पर गेम चेंज हो सकता है। भाई ड्रिप गोकू अपने भाई सारे अटैक कर रहा, बट शैडो वेजिटा को पहले पता लग जा रहा है कि आखिर काम है हमें अटैक आने कहाँ वाला है। अरे यार ड्रिप गोकू को थोड़ा दूर रख करके फाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ ट्रेवर तू बात तो सही बोल रहा है यार, इन्फिनिटी वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल है। बट गाइस ये देख रहे हो भाई कमाल कर रहा है हमारा गोकू, एक से एक खतरनाक अटैक कर रहा है। अभी लगता है गाइस कि ड्रिप गोकू समझ चुका है कि भाई इसको आखिर हराना कैसे है। और भाई सब शैडो वेजिटा को डैमेज भी पड़ रहा है। बट एक मिनट गाइस, लग रहा है गाइस शैडो वेजिटा फिर से गुस्से में आ रहा है और अगर उसने अपना ओपी अटैक कर दिया तो हमारे ड्रिप गोकू के लिए खतरा हो सकता है। ओ नहीं फ्रेंड भैया, ये देखो ड्रिप गोकू पर ओपी अटैक होने वाला है। अरे यार ड्रिप गोकू की एचपी भी काफी ज्यादा डाउन है। अरे यार ड्रिप गोकू भागो 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 क्योंकि अब शैडो वेजिटा तुम्हें धोने वाला है। मैंने बोला था ये ड्रिप गोकू को नहीं छोड़ेगा, देख लिया ना क्या हुआ है। गाइस ये सबसे खतरनाक बंदा है भाई। शैडो वेजिटा को हराने के लिए ना हम लोगों को कोई और बुद्धि लगानी पड़ेगी। फ्लैशो बेबी आप कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं लगता हम लोग शैडो वेजिटा को हरा पाएंगे। अगर ड्रिप गोकू नहीं हरा पाए तो कौन हराएगा उसको? सिंचन शैडो वेजिटा को तो ड्रिप गोकू ही हराएगा। अगर नॉर्मल ड्रिप गोकू नहीं जीत पाया तो इस बार ना हम लोगों को सुपर सैयन ड्रिप गोकू को यार लाना पड़ेगा। और तुझे तो पता है अगर ड्रिप गोकू सुपर सैयन मोड में आ गया तो वो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। फ्लैश भाई जल्दी किसी बंदे को ड्रॉ करने के लिए भेजो यार, शैडो वेजिटा की छुट्टी कटे हम लोग। हाँ चौप अभी भेजता हूँ, अभी बताओ तुम लोगों में अगली बारी किसकी होने वाली है, कौन जाने वाला है नेक्स्ट ड्रॉइंग करने के लिए। इस बार ड्रॉ करने के लिए मैं जाऊंगा, मुझे काफी दिनों से सुपर सैयन को बनाना था और इस बार तो सुपर सैयन ड्रिप गोकू को बना करके मैं शैडो वेजिटा की छुट्टी कर दूंगा। ठीक है दद्दू हाल, चलो देख लेते आप कितना खतरनाक शैडो वेजिटा को हराने के लिए ड्रिप गोकू बनाते हो। चलो गाइस अभी तुम लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में सुपर सैयन ड्रिप गोकू ओपी लिखना है क्योंकि गाइस हमारा ये वाला ड्रिप गोकू ना सही में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। चौप मेरे भाई ये देख, ये वाला ड्रिप गोकू तो यार शुरू से ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लग रहा है अपने दद्दू हल्क ने यार सारे के सारे गुस्से इसी के ऊपर निकाल दिए हैं। अरे हाँ यार सिंचन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और यार इसके गुस्से के बाद इसके बाल भी तो देख, बाल भी काफी ज्यादा खड़े खड़े हैं यार, एकदम सुपर सैयन की तरह। अरे हाँ ये चौप क्योंकि ये वाला सुपर सैयन ड्रिप गोकू है ना इसीलिए। भाई मेरा ड्रिप गोकू हार गया तो मुझे नहीं लगता यार दद्दू हल्का भी ड्रिप गोकू जीत पाएगा। और टोनी के बच्चे अगर तूने ज्यादा बोला ना तुझे मैं अभी कूट डालूंगा, मेरा ड्रिप गोकू पक्का जीतेगा। ये देख मैंने इसके कपड़े बनाने शुरू कर दिए, ये बना दिया मैंने इसके हाथ और ये बना दिया मैंने इसकी जैकेट। टोनी ज्यादा मत बोल नहीं तो अपने दद्दू हल्क गुस्सा हो जाएंगे, उसके बाद यार शैडो वेजिटा की जगह तेरी धुलाई हो जाएगी। गाइस फिलहाल तो अपने दद्दू हल्क अच्छा खासा ड्रिप गोकू बना रहे हैं और ये वाला ड्रिप गोकू सुपर सैयन वाला ड्रिप गोकू है, तो देखना पड़ेगा ये वाला ड्रिप गोकू जीत पाता है कि नहीं क्योंकि गाइस शैडो वेजिटा सही में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मेरे को। अरे फ्लैश भाई भैया ये ड्रिप गोकू यार ताकतवर तो है पर मुझे नहीं लगता यार ये सुपर सैयन वाली पावर भी रखता होगा। अरे नहीं यार माइकल इतना भी ज्यादा ये गंदा नहीं होगा क्योंकि यार इसके अंदर भी पावर्स तो होगी। गाइस अभी ना अपना ये सुपर सैयन वाला ड्रिप गोकू तैयार तो लग रहा है मेरे को, बट अभी भी इसमें ना काफी कुछ लिखना है। चलो यार दद्दू हल्क फटाफट कर दो क्योंकि मुझे देखना है शैडो वेजिटा के साथ में आखिर जीत पाता है कि नहीं। और ये क्या भाई साहब इसकी तो बॉडी शॉट भी बना रहे हैं अपने दद्दू हल्क। फ्लैशो भैया आज वाला ड्रिप गोकू यार सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। हां ना सिंचन आज तो किसी भी हाल पे गाइस हम लोग शैडो वेजिटा को हरा के रहेंगे, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में ड्रिप गोकू ओपी लिख दो। और ये देखो गाइस फाइनली ये ड्रिप गोकू मेरे को लगता है ना करीब करीब तैयार है क्योंकि यार अपने दद्दू हल्क ने इसकी शेडिंग वगैरह भी कर दी है और हाईलाइटिंग भी कर दिया है। और ये देखो इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम भी लिख दिया जिसके बाद तो ये ड्रिप गोकू और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है, हमारा ये सुपर सैयन वाला ड्रिप गोकू या वो शैडो वेजिटा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। अरे फ्लैश भाई अपना ड्रिप गोकू तो सही में सुपर सैयन बन गया है, लगता है यार आज तो बैन बजने वाली है इसकी। हाँ ड्रिप गोकू काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा है गाइस, अभी यार देखना पड़ेगा। बे यार ड्रिप गोकू तेरे पीछे है, क्या कर रहा है तू? ओ नहीं 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 ये तो मार खा रहा है। अरे फ्लैश भाई मैंने आपको पहले बोला था यार दद्दू हल्क के सुपर सैयन वाले ड्रिप गोकू का प्लान पूरा तेरे साथ फेल होने वाला है यार, देखो कोई भी अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है। नहीं यार टोनी बस थोड़ी देर रुक जा, मुझे लगता है कि हमारे ड्रिप गोकू यहाँ पर कुछ तो करेगा। ओ भाई सौ भाई वेजिटा को मार
पड़ रही है, बट गाइस उसकी एचपी डाउन हो रही है और हमारे ड्रिप गोकू की एचपी देखो कितनी ज्यादा कम हो गई है भाई, ये भी 30 सेकंड के अंदर ही हार गया। अरे मैंने आपको पहले बोला था कि ड्रिप गोकू के बस की बात नहीं है, ड्रिप गोकू इसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। ओए टॉनी थोड़ी देर रुक जा, अभी हम लोग पहला राउंड हारे, अभी दूसरा राउंड बाकी है, देखता जाए ये कितनी आसानी से इसको हराता है। हां टोनी, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को इन्फिनिटी वेजिटा को इसी बार में हराना पड़ेगा। बट गाइस ये तो भाई धुलाई कर रहा है हमारे ड्रिप गोकू की और ड्रिप गोकू अपनी सारी ताकत लगा चुका है, बट गाइस यहां वेजिटा को कुछ हो भी नहीं रहा है। मुझे लगता है गाइस हर फाइट के बाद में ना वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है भाई, सब उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। अबे यार ड्रिप गोकू तो सही में यार खतरे में है और ये देखो सेकंड राउंड भी हार चुका है अपना सुपर सैयन ड्रिप गोकू। फ्लैशो बेबी ये इतना कुछ करने के बाद भी हमारा सुपर सैयन ड्रिप गोकू यार देखो 30 सेकंड के अंदर हार गया, ये तो यार इन्फिनिटी वेजिटा के सामने टिक भी नहीं पा रहा है। हां सिंचन यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैटर क्या है, इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारा ड्रिप गोकू इन्फिनिटी वेजिटा के सामने नहीं टिक पा रहा है। अरे यार टिकना छोड़ो, उसके एक अटैक में हमारा ड्रिप गोकू चला जा रहा है जबकि ड्रिप गोकू सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारे में। माइकल मुझे पता है यार कि ड्रिप गोकू सबसे ज्यादा ताकतवर है बट ये हार जा रहा है, हम लोगों को थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा गाइस अपने ड्रिप गोकू को। सुपर सैयन के बाद में नेक्स्ट जो सबसे ताकतवर है वो है ब्लू ड्रिप गोकू, बट हम लोग उससे भी एक कदम और आगे जाकर के अपग्रेड करेंगे इसको। फ्लैश भी आखिर आप करने क्या चाहते हो? अरे सिंचन फ्लैश भाई क्या बोल रहा है, मैं समझ गया फ्लैश भाई, बस आप देखते जाओ यार, मैं ड्रिप गोकू का एकदम खतरनाक अपग्रेड करूंगा यार, इस बार ऐसी ड्रॉइंग बनाऊंगा ड्रिप गोकू की हार जाएगा वो शैडो वेजिटा। ओके गाइस लगता है अपना चॉप सही में एक खतरनाक ड्रिप गोकू बनाने वाला है, अभी तुम लोगों को क्या लगता है यार ड्रिप गोकू कौन सा बनने वाला, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। चॉप मेरे भाई एकदम तोड़ू फोड़ू वाले ड्रिप गोकू बनाना, वैसे यार तू कौन सा ड्रिप गोकू बनाने वाला है? अरे यार सिंचन मैंने इस बार यार मोपी वाला ड्रिप गोकू बनाऊंगा यार, ये वाला ड्रिप गोकू काफी ज्यादा पावरफुल होगा, बस तू देखता रहा, ये देख मैंने इसके कपड़े यहाँ पर बना दिए हैं। नहीं यार चॉप अभी तक तो तूने इसके जैकेट भी आधे बनाए। गाइस अपना चॉप बोल तो रहा है कि इस बार एकदम ओपी वाला ड्रिप गोकू बनाएगा, बट यार मुझे अभी भी ना यार शैडो वेजिटा ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अरे फ्रंगर भाई हमारा ड्रिप गोकू सिर्फ इसलिए हार रहा है यार क्योंकि हमारे व्यू वाला वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है। अरे हाँ गाइस मैं तो भूल ही गया, तुम लोग वीडियो को अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, जैसे हम लोग शैडो वेजिटा को हरा पाए। फ्रंगलिन भाई हम लोग को इस वीडियो पे 1000 लाइक किए तभी जा करके यार ड्रिप गोकू जीत पाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो गाइस इस वीडियो को खत्म होने से पहले तुम लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जैसे 1000 बाई वीडियो के लाइक हो जाए, जब तक 1000 लाइक नहीं होंगे ना तब तक शायद हमारे ड्रिप गोकू जीत नहीं पाएगा। फ्लैश अभी भी ये टेंशन ले लो, हमारे व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करके 1000 सब्सक्राइबर और 1000 लाइक करवा दो यार। और ये देखो गाइस इसके बाल भी बन चुके हैं, बट यार चॉप तू तो सुपर सैयन वाला ही ड्रिप गोकू बना रहा है, ये वाला ड्रिप गोकू कुछ अलग तो है नहीं। अरे फ्लैश भाई बस आप देखते जाओ यार, अभी ये अलग भी दिखेगा और फाइट भी काफी ज्यादा तगड़ी करेगा। फ्लैश भी हम लोगों को अपने चॉप पर भरोसा रखना पड़ेगा, चॉप चलिए यार अब सब कुछ तेरे ऊपर है, एकदम ओपी वाला ड्रिप गोकू बना दी। अरे हां यार सिंचन ये देख मैंने इसके अंदर कलर भी भर दिया, अभी फटाफट इसके कपड़े को भी कलर कर देता हूँ, ये देख इसके कपड़े को भी मैंने कलर कर दिया है, अभी इसके पैंट को भी मैं कलर कर देता हूँ, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पर यार चॉप तूने इसके बाल की कलर तो यार की ही नहीं, ये तो अभी भी व्हाइट है। अरे हाँ वो इसलिए क्योंकि ये ना मल्टीनेशनल MUI गोकू है, वो भी ड्रिप गोकू। ओ भाई साहब मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग ड्रिप गोकू, ये तो सही में काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगा नहीं था गाइस कि अपना चॉप इतना खतरनाक MUI गोकू बनाएगा। गाइस अभी तुम लोगों क्या लगता है MUI गोकू जीत पाएगा कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और हमारा ये गोकू तैयार हो चुका है, चलो देखते हैं फाइट में कौन जीतता है। ये देखो फ्लैशो भी भैया MUI ड्रिप गोकू आ चुका है, अब जाकर के आएगा मजा, चलो देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है। गाइस तुम लोगों को फटाफट से ड्रिप गोकू ओपी लिखना कमेंट बॉक्स में। अरे नहीं ये क्या, ड्रिप गोकू तो अपना सुप्रीम स्पीड बॉम्ब यूज करने वाला है भाई साहब, इस अटैक के सामने तो यार ये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ओ तेरी गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस हमारा ये गोकू आते साथ एक से एक खतरनाक सुप्रीम अटैक कर रहा है भाई, ये सारे अटैक तो सुपर ओपी है यार, इसके सामने तो सही में शैडो वेजिटा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट गाइस हम लोगों को शैडो वेजिटा को इतना ज्यादा कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो भाई साहब एक अटैक में ही हमारे ड्रिप गोकू के HP आधे से कम कर दिया है। फ्लैशो भी भैया मुझे लगा नहीं था यार ये शैडो वेजिटा इतना ज्यादा ताकतवर है, पर ये तो हमारे सुप्रीम ड्रिप गोकू को भी हरा रहा है। अरे हाँ यार सिंचन ये हरा तो रहा है, बट मुझे नहीं लगता गाइस कि यहाँ पर शैडो वेजिटा के ज्यादा कुछ चलने वाली है, अभी जरूर कुछ अपना ड्रिप गोकू कमाल करेगा, बस तुम लोग देखते जाओ। ओ नहीं
गाइस, ये तो भाई एक बार में इतनी ज्यादा एचपी डाउन कर दिया है भाई। अपना गोकू फिर से सुप्रीम अटैक करने वाला है। ये स्प्लिट बॉम्ब अगर लग गया शैडो वेजिटा को तो भाई कमाल हो जाएगा। ओ नहीं यार, ये अटैक तो फेल हो चुका है भाई। सब हमरा एमयूआई गोकू भी हार चुका है यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं फ्लैश भाई, भाई अभी तो सिर्फ एक ही बारी है, अभी बस देखते जाओ। इस बार तो पक्का जीतेगा अपना ड्रिप गोकू। चलो यार ड्रिप गोकू, तुम्हारे अंडर मास्टर अल्ट्रा स्टिंग की पावर डाली यार हम लोगों ने, कुछ तो करो यहाँ पे। गाइस ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को कमेंट बॉक्स में एमयूआई गोकू ओपी लिखना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ होने वाला है। और तुम लोगों को 1000 लाइक्स करवाने पड़ेंगे। ओ नहीं यार, शैडो वेजिटा तो अपने ओपी अटैक से यार ड्रिप गोकू की हालत खराब कर रहा है। ये मुकाबला काफी ज्यादा तगड़ा चल रहा है। बट गाइस फाइनली सुप्रीम कामे हमें आ चुका है। ओ नहीं यार, ये वाला अटैक से तो बच गया, बट गाइस अभी ये वाला अटैक से जीत पाएगा क्या? ये देख रहे हो सुप्रीम स्पीड बॉम्ब है और शैडो वेजिटा भागने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है अगर ये वाला अटैक लग गया ना तो शैडो वेजिटा की हालत खराब हो जाएगी। और ये फाइनली गाइस एक अटैक तो लग चुका है। अभी अपने ना ड्रिप गोकू को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फ्लैश भी भैया, हमारे ड्रिप गोकू कोशिश तो काफी ज्यादा कर रहा है, पर ये शैडो वेजिटा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और नहीं, शैडो वेजिटा तो फिर से जीत गया। अरे यार, हम लोगों ने हर तरह के ड्रिप गोकू को ड्रॉ करके देख लिया गाइस, बट ये शैडो वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल है। इसको हराने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, नहीं तो ये तो सबको हराता ही जाएगा। अरे फ्लैश भाई, इसको हराने का कोई तरीका नहीं है, हमारे पास अब कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो इसको हरा पाए। अरे नहीं फ्लैश भाई, मुझे जाने दो, मुझे पता है कि एक बंदा जो इसको हरा सकता है। टोनी, तू तो अभी ड्रॉइंग करके आया था और तेरा वाला ड्रिप गोकू भी हार गया, तो मैं तुझे ड्रॉइंग करने के लिए फिर से भेजूंगा, फिर से हार गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं फ्लैश भाई, इस बार तो मैं पक्का जीत के दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में मस्त बंदा आया हुआ, वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बस आप देखते जाओ इसको मैं कितनी खतरनाक तरीके से बनाता हूँ, और इस बार तो हम लोग पक्का शैडो वेजिटा को हरा देंगे। गाइस पता नहीं यार अपने टोनी स्टार्क के दिमाग में क्या चल रहा है। टोनी स्टार्क का कहना है कि वो यार फिर से किसी को ड्रॉ करने वाला है। अभी हम लोगों को ये नहीं पता ये ड्रिप गोकू है या कोई और है, बट देखने में तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है गाइस मेरे को। तुम लोगों को क्या लगता है गाइस, ये बंदा उस शैडो वेजिटा को हरा पाएगा कि नहीं? फ्लैश भी भैया, ऐसे तो मैंने होप छोड़ दी है, पर ये बंदा देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और इसके दोनों कान में बालियां भी है, मुझे लगता है ये किसी तरह का फ्यूजन है। हाँ यार सिंचन, तू सही बोल रहा है, इस तरह की बालियां तो या तो गॉड्स के पास होती है या तो जब अपना गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर के खुद को एक करते हैं और वेजिटो बनाते हैं। अभी यार ये थोड़ा थोड़ा तो मेरे को वेजिटो की तरह लग रहा है गाइस, बट पता नहीं ये वेजिटो की तरह पावरफुल भी होगा कि नहीं। अरे फ्लैश भाई, वेजिटो भी हार चुका यार, मुझे नहीं लगता शैडो वेजिटा से ये जीत भी पाएगा। देखिए चो, भले ही हमारा वेजिटो पहले हार चुका होगा, बट गाइस अभी मुझे लगता है ना कि अपना टोनी स्टार्क कुछ अलग ही टाइप का वेजिटो बना रहा है। ये वेजिटो मैंने पहले नहीं देखा है, तुम लोगों को क्या लगता है ये कौन सा वेजिटो है? इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है गाइस, और इसके हाथ भी काफी ज्यादा ओपी लग रहे हैं। इसके बाल देखने से लग रहे हैं कि ये अलग टाइप का। एक मिनट गाइस, इस टाइप के तो यार कपड़े सिर्फ सुपर सैयन फोर्स के होते हैं, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये सुपर सैयन 4 वेजिटो तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा। फ्लैश भाई, ये सिर्फ सुपर सैयन वेजिटो ही नहीं है बल्कि सुपर सैयन 4 मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग वेजिटो है, इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। ओ तेरी गाइस, एक तो गाइस ये वेजिटो है, ऊपर से गाइस ये सुपर सैयन 4 भी है और मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग भी है। गाइस इसके जितना ताकतवर तो कोई भी नहीं हो सकता है भाई साहब, ये बंदा तो पक्का आज हराने वाला है शैडो वेजिटो को। बट इसके लिए हम लोगों को 1000 लाइक की मदद चाहिए, तुम लोग फटाफट से 1000 लाइक करवा दो। और मुझे लगता है गाइस कि हमारा ये वेजिटो ना अभी से ही तैयार लग रहा है। तुम लोग क्या लगता है कौन जीतने वाला, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। और गाइस चलो देखते हैं आखिर फाइट में जीतता कौन है, अपना मास्टर अल्ट्रा स्टिंग सुपर सैयन 4 वेजिटो या वो भाई साहब शैडो वेजिटो। ये वाला वेजिटो तो यार काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, लगता है आज का वेजिटो सही में धमाल करेगा। अरे बाप रे, इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। चलो यार अब तुम एक लास्ट होप हो, शैडो वेजिटो को हरा के दिखाओ। अरे फ्लैश भी भाई, अपना ये वेजिटो तो गायब भी होता है और यार लेजर अटैक भी कर रहा है भाई साहब, शैडो वेजिटो की हालत खराब कर दी इसने। अरे हाँ, ये वाला वेजिटो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अभी जाकर के पता चला अपना टोनी स्टार्क तो काफी मस्त ड्रॉइंग करता है। अरे भाई साहब, इसके अटैक को देख रहे हो, शैडो वेजिटो तो इसे दूर भाग रहा है।
गाइस सही में यार ये वेजिटो ना काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि एक तो ये सुपर सेन 4 है, ऊपर से मास्टर अल्ट्रा स्टिंग वाली पावर भी है। इसके अटैक के सामने शैडो वेजिटो कुछ भी नहीं है। अभी गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि शायद हम लोग मैच जीत सकते हैं। ओ गाइस ये वाला अटैक देखो यार, ये वाला अटैक से तो पूरे के पूरे स्टेडियम को दो भागों में बांट दिया हमारे वेजिटो ने। फ्लैशो भैया पर एक बात ध्यान रख लो यार, ये मुकाबला दोनों के बीच में बराबरी बराबरी का है। देखो वेजिटो को भी ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है, और अपना यार शैडो वेजिटा वो भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मुझे लगता है ये वाला अटैक के बाद तो यार शैडो वेजिटा कमजोर हो सकता है, पर यार वो अपना हार माने तब तो। अरे हाँ यार सिंचन, ये शैडो वेजिटा तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस, बट हमारा वेजिटो यार अभी हार नहीं मानने वाला है। ये देख रहे हो एक से खतरनाक अटैक कर रहा है भाई, इतने ओपी अटैक न तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। भाई शैडो वेजिटा भी सोच रहा होगा कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल बंदा आखिर आ कहां से गया, एक मुक्के से शैडो वेजिटा दूर जाके गिर रहा है गाइस। और फ्लैश हो गया बीच बीच में तो यार हमारा वेजिटो इनविजिबल हो रहा है यार, उसको एक भी अटैक नहीं लग रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शैडो वेजिटा की एचपी डाउन हो जाएगी और हमारा वेजिटो काफी ज्यादा ऊपर रहेगा। नहीं चौप, ऐसा नहीं होगा, देख रहा है तू भाई साहब शैडो वेजिटा काफी खतरनाक अटैक कर रहा है। फ्लैश हो भैया ऐसा लग रहा है शैडो वेजिटा गुस्से में आ चुका है, पर फाइनली अपना वेजिटो खड़ा हो गया है, अब तो यार उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और गाइस यहां शैडो वेजिटा के एचपी सिंगल लाइन में आ चुकी है, बट गाइस ये क्या हो गया, हमारा वेजिटो का भी एचपी डाउन हो चुका। ओ भाई साहब मुझे लगा था ये मुकाबला काफी ज्यादा इजी होगा, बट यार ये मुकाबला तगड़ा होता जा रहा है, दोनों बराबरी पे आ चुके हैं। और ये देखो मात्र 52 सेकंड का गेम प्ले बचा है भाई, इसके अंदर हमारे वेजिटो को ना हराना पड़ेगा किसी भी हाल पे गाइस, शैडो वेजिटो को हराना पड़ेगा। अगर गाइस इसने लेट किया तो यहां से शैडो वेजिटा जीत जाएगा, हम लोग काफी ज्यादा करीब है जीतने के, अभी देखना पड़ेगा वो नहीं। यार ये वाला अटैक मिस हो गया गाइस, फ्रैंकलिन भैया मात्र 30 सेकंड का गेम प्ले बचा है और हमारा शैडो वेजिटा कोशिश तो कर रहा है, बट यार वेजिटो वेजिटो क्या कर रहे हो, मार मत खाओ। अरे नहीं वेजिटो की एचपी भी काफी ज्यादा कम हो गई है, अब तो यार शैडो वेजिटा और वेजिटो दोनों बराबरी पे आ चुके हैं। हाँ यार सिंजन तू सही बोल रहा, मात्र 30 सेकंड का गेम प्ले बचा है गाइस, तुम लोगों को फटाफट से वेजिटो को ओपी लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे वेजिटो की एचपी बढ़ेगी। हो सकता है गाइस हम लोग टाइम आपके कारण जीत जाए, क्योंकि हमारी एचपी ज्यादा है और वेजिटो की एचपी हाफ हो चुकी है। बस यार थोड़ी देर हमारे वेजिटो को संभाल लेना, बस 3 सेकंड का गेम प्ले बचा और फाइनली गाइस टाइम अप हो चुका है और हम लोगों ने फाइनली वाइस शैडो वेजिटा को हरा दिया है। तो गाइस काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली हम लोगों ने शैडो वेजिटा को हरा दिया। अच्छा हुआ यार टोनी स्टार्क ने ड्रॉइंग करके यार हराया तो सही है, वैसे हमेशा टोनी स्टार्क हमेशा हार ही जाता है, बट पता नहीं टोनी स्टार्क ने कैसे वेजिटो को ड्रॉ किया था, हम लोगों ने शैडो वेजिटा करा दिया। तो भाई आज का गेम प्ले हम लोगों को यही खत्म करना पड़ेगा, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना गाइस। आप लोगों से मिलते हैं कल एक और नए धमाकेदार वीडियो में।